वेलकम बेटा टू माई चैनल सो इजी मैथ। माई डियर स्टूडेंट्स, अज आप क्लास 8 की वीकली प्रैक्टिस शीट 9 सॉल्व करांगे। टॉपिक हैगा बेटा क्यूब ते क्यूब रूट्स, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ठीक है, कण ते कणमूल, घात ते घातांक ने बेटा। फर्स्ट है अपने को डिजिट एड यूनिट प्लेस इन द क्यूब ऑफ ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर इज, दो अंकों की वड्डी तो वड्डी अभास संख्या के कण के इकाई का अंक है। दो अंकों की वड्डी तो वड्डी संख्या बेटा अपना आज लेनी है, प्राइम नंबर लेना। देखो आप मोस्टली की लिखते हैं 99, उस तो नीचे की होगा वैसे 98, क्योंकि प्राइम लेना फिर 97, 96। देखो बेटा ये प्राइम है नहीं क्योंकि 3 ते डिवाइड होंदा या, ये भी नहीं हैगा क्योंकि 2 ते डिवाइड होंदा। 97 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, अपास संख्या आ। हूँ देखना ये कण का इकाई दंग की होगा। ठीक है, यदा इकाई दंग की है, यूनिट प्लेस डिजिट की है 7, तो बेटा मैं 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करांगे, कि बन जूगा 343। तो यदा यूनिट प्लेस डिजिट की आ गया अपने को 3, तो यदा आंसर की होगा बेटा 3। ठीक है जी, अगे हैगा अपने को ऋणात्मक संख्या का कण हमेशा धनात्मक होंदा है, क्यूब ऑफ नैगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। बेटा जो अपन नैगेटिव नंबर लैने, फॉर एग्जाम्पल -2 ले लिया, एदा क्यूब मीनस कण कितना होगा, देखो -2 × -2 × -2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। 8 कदे आएंगे, देखो आता माइनस माइनस कैंसल आउट हो गए, तो आंसर क्या होगा माइनस। नैगेटिव का नैगेटिव होंगे हमेशा बेटा, पॉजिटिव का पॉजिटिव होंगे। ठीक है, मतलब फस्ट ऑप्शन की आ गई थोड़ी गलत, दिस वन। अगे का टांग संख्या का कण जिस संख्या हो सकती है, क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर मे बी एन ईवन नंबर। ठीक है, ऑड नंबर लेके देखो कोई भी, मान लो मैंने 3 ले लिया, ठीक है, यदा क्यूब करके देखो कितना आ गया अपने को 3 × 3 × 3 कितना बन गया 27। फिर जरूर तो नहीं ईवन नंबर ही आऊगा, तो की आऊगा ऑड नंबर। ठीक है, तो ये भी की आ गई फॉल्स। 3 अंकों की वड्डी तो वड्डी संख्या पूर्णकरण नहीं होंगी, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा 999, ए परफेक्ट क्यूब हैगा बेटा नो। ठीक है, किसका क्यूब नहीं हैगा, मीनस ए सही है। जेकर किसी संख्या का वर्ग 5 नाल खत्म होंदा है तो इसका कण 25 नाल खत्म होगा, ये भी कोई जरूरी नहीं हैगा। चलो अपां जे 5 करते हैं, 5 का क्यूब कढ़ीए तो कितना आ गया 125, चलो ये तो 25 नाल हो गया। पर यही जे अपां 15 का क्यूब कढ़ लीए, क्योंकि यदा स्केयर करांगे जदों आपां 15 × 15 कितना आ गया 225, चलो ये तो 5 ते खत्म हो गया, पर जे क्यूब करांगे तो कितना होगा 3375। ये तो नहीं 25 ना खत्म होया, मीनस जरूरी थोड़ी है, हो भी सकता नहीं भी, जिवें 5 का हो गया 25 नाल 15 का नहीं होया, मीनस लास्ट ऑप्शन की है रोंग। तो सही ऑप्शन आऊगी बेटा सैकेंड। अगेगा अपने कोल हेठ लिखिया विचों केड़ा अपने कण दे बराबर है, विचों द फॉलोविंग इज इक्वल टू इट्स ओन क्यूब। करके देखो बेटा, जिवें -1 का क्यूब आ कितना होगा -1 × -1 × -1, माइनस माइनस कैंसल आउट, 1 नूं जिन्नी वार मर्जी मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा बेटा 1, ये एक माइनस बच गई तो कितना आ गया -1, मीनस फस्ट ऑप्शन ही आऊगी, क्योंकि -2 का क्यूब कितना बन जूगा -8, -3 का क्यूब बनना कितना बन जूगा -27। ठीक है, यदि -9 का क्यूब कितना बन जूगा -729। ठीक है जी, अगे बेटा क्यूबिकल टैंक ऑफ एज ऑफ लेंथ 2.5 मीटर विच इज फुल ऑफ ग्रेन्स, फाइंड द स्पेड ऑक्यूपाइड बाय द ग्रेन्स इट इज स्टोरिंग। सीर के घर 2.5 मीटर किनारे वाली एक घनाकार टैंकी है जिहड़ी वह दाणियां नाल भरी हुई है। ठीक है, दसना दाणियां ने उन्हें किन्नी जगह घेरी है, दाने बेटा सारे विच भरे हुए हैं, सारी जगह घेरी हुई है, अंदर सारी स्पेस घेरी हुई है, मीनस की कटना पड़ेगा वॉल्यूम, क्यूब वॉल्यूम मीनस आयतन। की फार्मूला होंगे बेटा अपने को, भुजा की 3 मीनस साइड का क्यूब, जे आप ए साइड ले लिए भुजा ले लिए तो कि बन जूगा 2.5 का क्यूब, मीनस 2.5 × 2.5 × 2.5। ठीक है,
इनू तीन बार मल्टीप्लाई करके कि बेटा अपने को 1, 5, 6, 2, 5 तो राइट साइड तो किन्ने डिस्टेंस बाद क्यू पॉइंट लगेगा 1, 2, 3 मीन्स 15.2625 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है 15.625 सेंटीमीटर क्यूब तो केड़ा ऑप्शन आऊगी बेटा थर्ड दिस वन। नेक्स्ट हैगा अपने कोल परम हैज सम क्यूबॉइड्स ऑफ डिमेंशन 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, and 5 सेंटीमीटर ही वॉन्ट्स टू मेक ए क्यूब विद दीज क्यूबॉइड्स फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स रिक्वायर टू फॉर्म ए क्यूब। परम कोल एक माप वाले कुछ घनाव ने जिन्हें लंबाई तो चौड़ाई तो उचाई अपन दिती हुई है बेटा वह तो एक घन बना चाहता है तो दसना घट्टो घट किन्ने घना की लोड़ पेगी। तो बेटा पहला आप घनाव का की कढ़ांगे आयतन मीनस वॉल्यूम की होंगे अपने को लेंथ इंटू ब्रैथ इंटू हाइट। लेंथ किन्नी 5 ब्रैथ किन्नी 2 हाइट उचाई किन्नी बेटा अपने को 5। हुण तुसी बेटा दे परफेक्ट क्यूब बना लो इनू परफेक्ट क्यूब बनाने लिए किन्ने अपन होर प्राइम नंबर चाहिए ने। ठीक है लीस्ट नंबर कर लो कहिंदा मतलब इहदा लीस्ट नंबर छोटी तो छोटी संख्या भी इनू कि गुना किया जाए यह पूर्ण घन बन जाए। देखो 2 5 तो है ने 3 5 अपन की चाहिए 3 5 चाहिए सके टोटल 2 है ना तो 1 5 होर चाहिए इदे 2 1 टाइम आ 2 किन्ने चाहिए से अपन टोटल 3 1 हैगा या तो 2 होर चाहिए से फिर यह परफेक्ट क्यूब बन जूगा मतलब इन की लोड़ आ 5 × 2 = 10 10 × 2 = 20। ठीक है 20 यह जे घनाव अपन होर चाहिए ने तो कि ऑप्शन आऊगी बेटा 4th ऑप्शन। ठीक है जी नैक्सट है अपने कोल फाइंड द समॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर मस्ट बी डिवाइडड टू अपटेन ए परफेक्ट क्यूब। अजे छोट तो छोटी संख्या पता करो जिस नाल 4374 वंडिया जाए ता कि पूर्ण घन बन जाए परफेक्ट क्यूब बनाना। तो पहला की करांगे आपां इहदे प्राइम फैक्टर बनावांगे फिर आपां इहदा समॉलेस्ट नंबर कढ़ांगे जिवें आपां उपर कढ़िया सी 4374 इहदे प्राइम फैक्टर बनाओ 2 नाल डिवाइड हो जाएगा बेटा इह 2 1 8 7 हुण इह 3 ते जाएगा 7 29 फिर 3 ते डिवाइड हो जाएगा 243 फिर 3 ना डिवाइड हो जाएगा 81 फिर 3 ना डिवाइड हो जाएगा बेटा 27 फिर 3 ते डिवाइड हो जाएगा 9 अगे फिर 3 ना डिवाइड हो जाएगा 3 3 3 ना मीनस ये प्राइम फैक्टर आप अज गुणन खंड की बन गया अपने को 2 × 3 किन्नी बार 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 देखो यदा भी 3 पेयर बन गया ये भी 3 पेयर बन गए 1 2 1 3 आ। ठीक है हुण देखो जो 2 एक्सट्रा ने हुण देखो इन्हूं कितना डिवाइड करिए भी परफेक्ट क्यूब बन जाए आप वंडना आ जे 2 ते 3 च रिमूव कर दिए। ठीक है तो परफेक्ट क्यूब बन जूगा मीनस समॉलेस्ट नंबर जिहड़ा आ गया छोटी संख्या इनू कितना वंडिया जाए कि आऊगा अपने को 2 × 3 जो एक्सट्रा ने 6 नाल तो समॉलेस्ट नंबर की आ गया बेटा अपने को 6 तो कि ऑप्शन आ गई थर्ड। दसना भी कि पूर्ण घन नहीं है विच द फॉलोविंग इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब बेटा ये वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा जिदे राइट साइड पर 3 का मल्टीपल जीरोज नहीं होंगे। हूँ ये देखो 3 जीरोज ने यह हैगा आ ठीक है 3 ते 3 6 0 ने ठीक है 3 3 तो यह भी हैगा आ इस भी 3 जीरोज ने यह भी हैगा इस 2 जीरोज ने मीनस ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो अपना आंसर क्या होगा बेटा 4th ऑप्शन दिस वन ये पूर्ण घन नहीं है। अगे है बेटा
पी का क्यूब इंटू पी की पावर माइनस टू इंटू क्यू की फाइव इंटू क्यू की पावर माइनस थ्री कि बराबर आ 50 दे। पी ते क्यू दोनों नैचुरल नंबर ने, प्राकृतिक संख्यावान ने, तो पी ते क्यू की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। बहुत ईजी है बेटा। आप पावरस ऑफ पावरस के रूल से अपने को एक्सपोनेंट के जिमें एक्स की पावर एम एक्स की पावर एन जे मल्टीप्लाई हो पावरस की हो जाए ने एडअप। ठीक है, एम प्लस एन अं पी दे पावरस एड कर देंगे, पी की पावर आ जूगी थ्री प्लस माइनस टू इंटू क्यू की पावर भी आई आ जूगी फाइव प्लस माइनस थ्री कि बराबर आ जूगा 50 दे। पी की पावर प्लस माइनस माइनस तो थ्री माइनस टू कि आ गया वन, क्यू की पावर प्लस माइनस माइनस फाइव चो थ्री गए बेटा टू, इदा ही 50 के फैक्टर बना दो। देखो 50 के फैक्टर की बन गए थोड़े को टू इंटू फाइव इंटू फाइव मीनस टू इंटू फाइव का स्केयर, क्योंकि फाइव टू टाइम्स आ गया, टू की पावर वन फाइव की पावर टू मीनस पी कि टू जो अपने क्रिएट करा, क्यू कि फाइव। ठीक है, पी टू आ गया बेटा, क्यू कि आ गया फाइव दिस वन। अगे दसना बेटा व्यंजक गिवन, आपू एक्सप्रैशन गिवन है, यदा गुणात्मक उल्ट मल्टीप्लाई किट भी इनवर्स अपने फाइंड आउट करना। पहले बेटा आप इस वैल्यू सॉल्व करते हैं बनती कि अपने को पावरस के रूल से एक एक्स की पावर एम बाय एक्स की पावर एन की होंगे अपने को जे बेस सेम हो बटिया हो रकम तो एक्स की पावर बेटा की आऊगी एम माइनस एन पावरस की हो जाते हैं माइनस। हूँ देखो आ तो कैंसल आउट ही हो गया, फोर ये अपने को रकम सी मैं दोबारा लिख देना व्डा करके फोर बाय 36 ए की पावर माइनस 19 ए की पावर माइनस 13 ए कैंसल आउट हो गया बेटा फोर्थ टेबल से मीनस 1/9 ए की पावर आज थोड़े को माइनस 19 माइनस 13 माइनस दे 13। ठीक है, उपर जाके माइनस हो जूगी बेटा अकॉर्डिंग टू पावरस ऑफ रूल ए बन जूगा 1/9 ए की पावर माइनस 19 माइनस माइनस प्लस 13 मीनस 1/9 ए की पावर कि आ जूगी माइनस 19 प्लस 13 प्लस माइनस माइनस निशानी वह आऊगी जी रकम वड्डी होगी, माइनस के वड्डे तो माइनस का साइन आऊगा 19 चो 13 गए बेटा माइनस दे 6। ठीक है, हुण अपने को आ गया सीगा ये 1/9 ए की पावर माइनस दे 6 जिन्हों आप लिख सकते हैं 1/9 ए की पावर 6 नीचे आके ए की पावर प्लस दी हो जाएगी। एदा अपन ने उल्ट कढ़ना मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स कढ़ना गुणात्मक उल्ट कढ़ना तो किन्ना हो गया आंसर इन उल्टा कर दो मीनस 9 ए की पावर 6/1 मीनस 9 ए की पावर 6 तो कि ऑप्शन आऊगी सैकेंड। नैक्सट है बेटा विचों द फॉलोइंग इज़ नॉट करैक्ट, दसना केड़ा सही नहीं है। देखो पहला की है मल्टीप्लाइकेशन तो पावरस की होएंगे बेटा एड क्योंकि बेस सेम ने आधार सेम ने 3 की पावर माइनस 10 प्लस 12 प्लस माइनस माइनस मीनस 12 चो 10 गए 2 मीनस आता सही है। अगे बेटा डिवाइड आ तो पावरस की हो जाएंगे माइनस 10 माइनस 12 3 की पावर माइनस दे 2 मीनस ए भी सही है। अपने को रूल होंगे कि एक्स की पावर एम दे बाहर एन हो पावरस बेटा मल्टीप्लाई हो जाते हैं एम इंटू एन ए बनूगा 3 की पावर माइनस 2 इंटू 11 3 की पावर माइनस 22 मीनस ए भी सही है। लास्ट देखो बेटा कोई भी ब्रैकट जिंद पावर 0 होंसर की होंगे इतने होना चाहिए 1 पर 1 नहीं है इट मीनस ए गलत है तो कि आंसर आऊगा अपने को फोर्थ। अगे बेटा अपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये देखो बेस सेम ने तो पावरस की हो सेम मीनस 2x प्लस 6 कि बराबर आऊगा माइनस 2 दे 2x आ जूगा माइनस 2 6 इधर आके माइनस दे 2x माइनस 2 माइनस 6 किन्ने बन गए अपने को माइनस दे 8 तो एक्स की वैल्यू कि आ जूगी माइनस 8/2 ये कैंसल आउट कि आ गया अपने को माइनस दे 4 दिस वन। नैक्सट है बेटा वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट ईवन कंपोजिट नंबर रेज टू पावर माइनस 4 सब तो छोटी जिस्त भाज संख्या की घात माइनस 4 का मुल
की है? बेटा सब तो छोटी जिस्त भाज संख्या कंपोजिट नंबर हुंदा की अपने कोल 4, क्योंकि 1 तो बेटा नाइदर कंपोजिट नो प्राइम, 2 की है प्राइम, ठीक है, एक जिस्त लेना है, 3 ऑड आ, ठीक है, तो 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना आ गया अपने कोल, जिस्त 4, ठीक है, 4 दी पावर कितनी लेनी है अपने, माइनस दे 4। हुण देखो ये तो ऑप्शन च है नहीं, तेन ब्रेक करो, 4 नूं आपां लिख सकते हैं 2 दा स्क्वेयर, क्योंकि 2 इंटू 2 4 हुंदा माइनस 4, तो 2 दी पावर आजूगी 2 इंटू माइनस 4, 2 दी पावर माइनस 8, तो कौन सा आंसर आजू बेटा 4th। नैक्सट है ए दी माइनस 3 नूं कौन सी संख्या नाल गुणा किया जाए कि ए दी 7 आ जाए। फाइंड द नंबर बाय विच ए दी माइनस क्यूब मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गैट ए दी 7। देखो ए दी 3 नूं किद ना मल्टीप्लाई करिए, अपने कल आंसर होना चाहिए ए दी 7, ठीक है जी। हुण इह देखो बेटा, एक तो ए होना चाहिए, जे बेस सेम होंगे तो ही पावर प्लस माइनस होनी चाहिए ने, इतने की ए दी पावर माइनस 3 हूँ ऐड होनगियाँ, मीनस ए इतने कि होना चाहिए 10, तो ही 10 माइनस 3 कि आऊगा 7, ठीक है, तो आंसर आऊगा बेटा 3rd। नैक्सट देखो कटोरे ए विच बैक्टीरिया दे वाधे गिवन आ, बी च गिवन आ, दोवें कटोरे विच बैक्टीरिया दे कुल आबादी किन्नी आ। द पापूलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन डिश ए एंड इन डिश बी, वट इज़ द टोटल पापूलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन बोथ द डिशिज। जो बेटा आप ऐड करना, टोटल करना, तो 10 की पावर सेम बनानी पेगी। इधर भी देखो आप इदा करते हैं, क्योंकि 10 की पावर 8 बना लें, किमें लिखांगे 0.7 इंटू 10 की पावर 7, इनू 10 नाल ही मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 10 नाल ही डिवाइड कर दो, ठीक है। तो बेटा एक डिजिट लैफ राइट साइड तो होर शिफ्ट हो जाएगा, तो यह बन जाएगा 0.07 इंटू, ये पावर ऐड हो जाएगी 10 की पावर 7 प्लस 1 8, ठीक है। हूँ आप ऐड कर सकते हैं, हूँ 3.2 इंटू 10 रेस्ट पावर 8, ये ऐड करना आपने 0.07 इंटू 10 रेस्ट पावर 8। हूँ बेटा 10 की पावर सेम है, दोनों एडअप कर लो, हूँ 3.2 दे 0.07 तुसी ऐड करो, देखो कितना बन जूगा 3.27, यह आ जूगा 3.27 इंटू 10 रेस्ट पावर 8, ठीक है जी। तुसी इदा भी समझ सकते हो, जो थोड़ी कन्फ्यूजन होंगी सीधा नहीं होंगे, तुसी 10 रेस्ट पावर 8 दोनों विचों कॉमन कढ़ सकते हो, ठीक है। फिर 3.2 प्लस 0.07 इनू ऐडअप कर लो, ठीक है, तभी नहीं बन जूगा 3.27 इंटू 10 रेस्ट पावर 8, तो कौन ऑप्शन आ जू बेटा दिस वन। सब तो छोटी संख्या दसनी है कि समॉलेस्ट नंबर, बेटा तां दसांगे जे अपन को 10 की पावर सारे की होनगियां सेम, पहले आप सेम पावरस बनाने हैं। वैसे भी देखो ये तो दोनों प्लस दी ने पावर ने, ये तो ग्रेटर नंबर ने, ठीक है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। हुण इन्हां दोनों देखो किहड़ा समॉलेस्ट बनूगा, ठीक है, यह हैगा अपने को 5.9853 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस दे 3, जां तुसी माइनू हल कर लो, सिंपलेस्ट फॉर्म से लिख लो, किमें लिखोगे 5.9853, 10 की पावर 3 है ना, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा बेटा लैफ्ट वाले पासे, 3 डिजिट 1, 2, 3 इत्थे आ जाऊगा पॉइंट, ठीक है, पॉइंट तो पॉइंट तक 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। इदा ही तुसी सैकेंड नंबर नूं खोल लो, 6.595 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 4, यह बन जाएगा 6.595। हुण इत्थों पॉइंट शिफ्ट होएगा लैफ्ट वाले पासे 4 तक, 4 डिजिट्स तक, 1, 6 हो गया 1, 2, 3, 4 इत्थे पॉइंट आ जाएगा। हुण देखो किहड़ा स्मॉलेस्ट नंबर आ, दिस वन, ठीक है, सैकेंड वाला, यदा मतलब नैगटिव दे विच जिहदी पावर की होगी ज़्यादा होगी, जे माइनस 4 आ, ठीक है, नैगटिव जिहदे कोल नैगटिव ज़्यादा होगा पावर दे विच, ओ की होगी समॉलेस्ट, क्लीयर जी।
थैंक्स बेटा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी लाइक जरूर कर देना। थैंक्स बेटा जी।